खंडवा जिले के मुंदीनगर में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में ढोल ताशों के साथ रैली निकाली गई। कमलनाथ सरकार की 15 महीने पुरानी सरकार की विदाई और भाजपा की जीत के विषय में आज भारतीय जनता पार्टी मुंदी द्वारा ढोल ताशों से रैली निकाली गई। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इस उपलक्ष्य में सभी नेताओं ने डांस किया और बीजेपी नेता संतोष राठौर और नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा। बीजेपी कार्यकर्ता बहुत खुश हुए और मुंदी बस स्टैंड से रैली प्रारंभ हुई, जो मेन रोड होते हुए माता चौक पर जाकर समाप्त हुई। माता चौक में बीजेपी नेताओं ने अपना उद्बोधन भी दिया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। निमाड़ की नैया नंदू भैया, भैया रे भैया नंदू भैया। झूठ भरे बेईमानी करके, लोगों को झूठ बोलकर धोखा देकर, जिन्होंने छल कपट की, जोड़ तोड़ की, खरीद फरोख्त की सरकार बनाई थी। लोग कहते हैं कि झूठ का मुंह काला और सत्य का बोल काला। कमलनाथ जी की विदाई हो गई और सत्य की जीत हो गई। विगत 1.5 साल से जो प्रदेश की जनता से वादे किए थे, उन वादों की तरफ तो कमलनाथ जी ने ध्यान दिया नहीं। गरीबों के आसियाने तोड़े गए, माफिया के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और विरोधियों को परेशान किया गया, कन्याओं के विवाहदान का 1 रुपया नहीं दिया और ऐसे ऐसे प्रपंच करके जैसे तैसे ये चल रहे थे और अभी भी कोशिश कर रहे थे कि हम जोड़ तोड़ से टिके रहे। धन्यवाद देना चाहते हैं हम भारत की न्यायपालिका को, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसी न्यायपालिका को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। निमाड़ की धरती से कमल के फूल का जो आज उदय हुआ है, फिर से परेशान करने वाले आने वाले समय में खुद परेशान हो जाएंगे। बोलो भारत माता की जय। कमलनाथ की सत्ता का अंत और कमल राज का प्रारंभ आज हो रहा है। जब 1.25 साल पहले इस प्रदेश में मात्र 2-3-4 विधायकों के अंतर से कांग्रेस की सरकार बनने की जो दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना को 1.25 साल में ही प्रकृति ने, भगवान ने ना सिर्फ आज के दिन समाप्त किया है, बल्कि आज ये खुशी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, ऐसा नहीं है। आज मध्य प्रदेश का सारा किसान, मध्य प्रदेश का सारा मजदूर और मध्य प्रदेश का हर वासी आज ना सिर्फ खुश है, बल्कि उसका मन अंगड़ाइयां ले रहा है। इन 1.25 सालों के दौरान इन किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने जो तकलीफें उठाई है, मजदूरों ने जो तकलीफें उठाई है, और शिवराज सिंह जी के समय के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर जो योजनाएं, जो जनहितकारी योजनाएं प्रारंभ की गई थी, उन योजनाओं के बंद होने के बाद में जो संतरास मध्य प्रदेश का हर वासी भुगत रहा था, आज उससे मुक्ति का पर्व है, ये मुक्ति का त्यौहार है। और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या फिर मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार बनेगी, वो फिर किसानों और मजदूरों और मध्य प्रदेश के वासियों की सरकार बनेगी। आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के नेता, कांग्रेस के नेता सत्ता के मध्य में आकर के जिस तरह से वो विरोधी भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई आम आदमी भी, अगर उसको नजर आता था कि ये कांग्रेस के खिलाफ में वोट देता है, तो जिस तरह से विध्वंसकारी और दुश्मनी भरी राजनीति पूरे लोग कर रहे थे, वो भी पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इन लोगों ने माफिया और कांड और राज मचा दिया था पूरा। आज